कैथल का आरकेएसजी पीजी कॉलेज पढ़ाई के साथ साथ छात्रों में हुनर खोजने और उसे तराशने का काम करता आ रहा है। कॉलेज की यही खासियतें इसे बाकियों से अलग बनाती है और खास भी। इसी कड़ी में आज आरकेएसजी पीजी कॉलेज में प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिस बीच कॉलेज के छात्र व छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। छात्रों ने अपने अपने अभिनय के माध्यम से अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं कंपटीशन में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने वाले छात्रों को पुरस्कार देकर नवाजा गया। वहीं इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल ने बताया कि युवाओं को कल्चरल एक्टिविटी के प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि हमारी संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, जिसको जीवित रखने के लिए छात्र छात्राओं को बढ़ चढ़ कर ऐसे प्रोग्रामों में हिस्सा लेना चाहिए। टैलेंट शो में 9 विधाएं हमने रखी थी, सिंगिंग, डांस और इसके अलावा टिटबिट्स, इसके अलावा मोनो एक्टिंग, मिमिक्री और कुछ चीज़ें हमने अपनी तरफ से भी जोड़ ली थी, जैसे सांझी बनाना, वंदन वार बनाना, फुलझड़ी, जो हमारे कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और जिसमें हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थी है वो अपने आम जीवन में जुड़ा हुआ है, हमने वो भी आइटम्स यहाँ पे रखी ताकि वो फाइन आर्ट्स में भी अपना कुछ ना कुछ करके दिखा सके। प्रतिभा खोज कार्यक्रम करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जो विद्यार्थी कुछ प्रतिभा रखते हैं कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने की, वो हमारी निगाह में आ जाएं, हमारी पकड़ में आ जाएं, उनको हम पहचान सकें और फिर हम अनेक विधाओं में, जैसे जोनल यूथ फेस्टिवल, इंटरजोनल यूथ फेस्टिवल और कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित किया जाने वाला वार्षिक रत्नावली फेस्टिवल जो कि स्टेट लेवल है, उसके लिए विद्यार्थियों को तैयार करते हैं, जो तैयारियां हमारी शुरू लगभग हो गई हैं। डॉक्टर संजय गोयल ने बताया कि कॉलेज लेवल पर चयन किए गए विद्यार्थियों का अब अगला कॉम्पिटिशन यूनिवर्सिटी लेवल पर होगा, जहाँ पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में अलग अलग कॉलेज से छात्र आएंगे। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब की स्ट्रीट टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।